हाँ जी भाई, तो कैसे आप सब। हम लोग आगे और नए वीडियो के साथ। भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो कि जस्ट रिसेंटली कनाडा गवर्नमेंट ने अभी भी किए हैं, और वो सारे चेंजेस जो है भाई वो सीधे सीधे स्टूडेंट लोगों को, सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए किए गए हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे चेंजेस के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब कहीं पर भी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और वो स्क्रीन पर वो शेयर करूँगा। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको मार के क्लिक करो और वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता था, पहले जब मैं अपना स्टडी वीज़ा अपना अप्लाई कर रहा था ना, तो मुझे लगा था कि भाई आइल्स देना पड़ता है। फाइलिंग में जब मैं पढ़ा एकदम अच्छे से, तो मुझे पता लगा कि भाई सिर्फ आइल्स यहाँ नहीं देना, कनाडा जाके भी आइल्स देना है, पीआर के लिए, पॉइंट्स वगैरह के लिए। फिर उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली कनाडा गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई सिर्फ स्टडी वीज़ा और पीआर के लिए ही नहीं, आपको वर्क परमिट के लिए भी आइल्स का जो एग्ज़ाम है फिर से देना पड़ेगा। अब वो कब देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा, उसमें कितने बैंड लेके आने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे कैप के ऊपर, जो कुछ टाइम पहले कैप लगा था इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर। बहुत ज़्यादा जो है भाई स्टूडेंट यहाँ पे हो गए थे, ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, फील्ड जॉब नहीं मिल रही, किसी को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, लोग प्रोविंस चेंज कर रहे हैं जॉब के लिए। पहले लोग प्रोविंस चेंज करते थे पीआर के लिए, बट अब लोग सिटी और प्रोविंस चेंज कर रहे हैं जॉब के लिए भी। तो इतना बुरा हाल हो गया था, तो कैप लगाया है और सबको लगा था कैप वो कुछ टाइम के लिए होगा, अभी हट जाएगा, जैसे रूल चेंज हो रहे हैं क्या पता फिर से रूल चेंज हो जाए और कैप फिर से हट जाए। बट देखो, जो ये कैप कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल दिया है। तो ये अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो भाई इसको वीडियो पॉज करके आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं ये पूरा नहीं पढ़ने वाला। मैं इसको, तो भाई देखो, मैंने इस इन्फॉर्मेशन को ना थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखो अब स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हो, द कैप विल बी सेट एट अ स्टेबल लेवल फॉर 2025 एंड 2026 एंड विल बी सेट एट 10% बिलो द 2024 कैप लेवल। द आइडिया इज टू रिड्यूस द कैप सेलिंग फ्रॉम अबाउट 485,000 इशूड स्टडी परमिट्स इन 2024 टू 437,000 स्टडी परमिट इशूड इन बोथ 2025 एंड 2026। तो देखो, इसका मतलब ये है, जो कैप लगाया गया था ना 485,000 2024 में, उसको रिड्यूस करेंगे, वो और नीचे लेके आएंगे। वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो नंबर थे ना, उसको वो और नीचे लेके आएंगे 2025 और 26 में, और वो जो नंबर होगा वो होगा 437,000 का, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको पॉज करके फिर 2-3 बार पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। कैप का तो भाई देखो ये सिस्टम है, जहाँ पहले इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे अब वहाँ पे कम कर दिए गए हैं। बट मुझे लगता है यार कि इस चीज़ में ना बहुत देर कर दी कनाडा गवर्नमेंट ने कैप लगाते लगाते, बट देर आए दुरुस्त आए, एक वो कहावत होती है ना, चलो एटलीस्ट किया तो सही कुछ ना कुछ। भाई देखो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में, जो कि चेंज सबसे बड़ा है कि भाई अब आपको वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले आइल्स देना पड़ेगा। ये बहुत ही शॉकिंग सी, मतलब एक उन्होंने अपडेट दी है, ठीक है। जितने भी कनाडा आना चाहते हैं और जो किसी दूसरों को, अपने भाई बंधुओं को या अपने पड़ोसियों को देख देख के आ रहे थे ना कनाडा, तो भाई देख के आना, जो भी सिर्फ ऐसे ही पैसे दे के या जिनके तुक्के से बैंड आ गए बट उनको एक उनसे कम्युनिकेशन होता नहीं है बट वो आ गए, तो अब देखो भाई काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको वर्क परमिट्स अप्लाई करने के लिए भी आपको आइल्स चाहिए होगा। अब देखो, उन आइल्स में कितने बैंड चाहिए, कितने किनको देना पड़ेगा आइल्स, सबको देना पड़ेगा या किसी किसी को देना पड़ेगा, तो मैं आपको स्क्रीन पर एक ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप ये देखो। एडिशनली मोर चेंजेस हैव बीन मेड टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। Applicants will now be required to demonstrate a Canadian language benchmark score of 7 for university graduates and CLB of 5 for college graduates who apply after November 1. इसका मतलब ये है कि भाई जो भी नवंबर 1 के बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई करेगा ना, उसको आइल्स देना पड़ेगा। नवंबर 1 से पहले वालों को आइल्स नहीं देना पड़ेगा, नवंबर 1 के बाद वालों को आइल्स देना पड़ेगा। अब जिन्होंने भी अपनी स्टडी जो है, मास्टर्स जो है, यूनिवर्सिटी से की है, तो उनको जो आइल्स में बैंड लाने पड़ेंगे वो CLB 7 लेवल लाने पड़ेंगे, और जिन्होंने भी कॉलेज से किया, अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, उनको CLB 5 लेवल, उनको इतने बैंड चाहिए, ठीक है। फिर से सुन लो, नवंबर 1 के बाद है ये, नवंबर 1 से पहले नहीं। जो भी स्टूडेंट नवंबर 1 के बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, उसको यूनिवर्सिटी के, अगर उसने यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया है तो CLB 7 और कॉलेज से कम्प्लीट किया है तो CLB 5, ये एक उनका रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसके बाद ये भी लिखा गया, एक और इसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड किया, जो कि भाई मार्क मिलर, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने बोला है, मिलर सेज ही एक्सपेक्ट्स दिस विल रिजल्ट इन 175,000 फ्यूअर वर्क
परमिट्स बीइंग इशूड ओवर द नेक्स्ट 3 years. इसका मतलब यह है कि भाई 175,000 वर्क परमिट कम इशू किए जाएंगे आगे आने वाले 3 सालों के अंदर. तो देखो भाई 175,000 कम नहीं होते. ये एक थोड़ा सा शॉकिंग सा था, बट इससे कहीं ना कहीं फायदा उन लोगों को होने वाला जो कि यहाँ पे एजेंट लोग बैठे हैं ना वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, उनको तो फायदा होने वाला है. बट भाई जिनको जो कनाडा आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, सीरियसली पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, जो कि डिमांडिंग फील्ड्स हैं उनके अंदर आना चाहते हैं, तो भाई वही आए. अदरवाइज आप देख लो भाई एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ जो है भाई निकल के आ रही है. कहीं पे लिखा है कि भाई स्टडी परमिट हम इशू नहीं करेंगे, सिर्फ उनको करेंगे जो इस इन फील्ड्स के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, फिर वर्क परमिट कम कर दिए, अब वर्क परमिट के लिए भी आइल्स देना पड़ेगा. पीआर का कोई अभी कुछ पता ही नहीं है भाई कि पीआर कैसे होगी. वर्क परमिट की एक्सटेंशन की कोई ऐसी बात नहीं हुई है, किसी प्रोविंस में हुई है, बट ओवरऑल कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ अगर आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है तो आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो अभी के लिए भाई 1-2 साल 3 साल कनाडा का थोड़ा सा हाल ऐसे ही रहने वाला है. तो सोच समझ के आना, मेरी कहीं ना कहीं पसंदीदा चीज़ है ये, मेरी नहीं, बहुत लोग ये चाहते होंगे जो कि हो चुका है. जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्पाउस जो वीज़ा रहता है, जो बेसिकली स्पाउस एलिजिबिलिटी फॉर वर्क टाइड टू स्टूडेंट्स स्टडी प्रोग्राम, प्रीवियसली द स्पाउसेस और पार्टनर्स ऑफ स्टूडेंट्स एट द ग्रेजुएट लेवल हैड प्रिजर्व्ड देयर राइट टू ऑब्टेन एन ओपन वर्क परमिट, बट लेटर दिस ईयर द स्पाउसेस स्लैश पार्टनर्स ऑफ मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट हुज प्रोग्राम आर लेस देन 16 months इन ड्यूरेशन विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर सच ए परमिट. देखो ये जो स्पाउस वीज़ा पे जो इन्होंने बैन वगैरह लगाया था वो तो ऑलरेडी लग चुका, मतलब लगा हुआ है ऑलरेडी कि भाई हाँ अगर आप नर्सिंग में आ रहे हो, हेल्थ केयर में आ रहे हो, तो ही आप लोगों को जो है स्पाउस वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हो. बट अब इन्होंने ऐसा कह दिया है अगर आपका, अब 16 months देख के कन्फ्यूज मत होना. देखो 2 साल का कोर्स होता है वो ऑन पेपर होता है, बट अगर आप स्टडी ऐसे कैलकुलेट करोगे कितने मंथ्स की होती है तो वो 16 months की होती है. तो अगर आपका कोर्स, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अगर आपका कोर्स जो है 16 months से कम का है तो आप लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो. अगर 16 months से ज़्यादा का है तो ही अप्लाई कर सकते हो, मतलब समझ जाओ. ठीक है, और यार ये एक मैंने टेबल उठाया था जो CLB लेवल, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे यार कि ना CLB लेवल 7 के है 5 के है. तो देखो अगर आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो तो CLB लेवल जो 7 है उसमें आपको पर मॉड्यूल में आपको कितने कितने बैंड चाहिए वो आप देख सकते हो. देखो CLB 7 की बात करूँ तो आपको हर मॉड्यूल में 6 बैंड चाहिए, तो मतलब ओवरऑल 6 हो जाएगा. और CLB 5 में आपको ओवरऑल 5 बैंड चाहिए. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है यार, इंडिया में तो हम लोग 6.5-7 बैंड इजीली ले आते हैं. आपने इतनी प्रैक्टिस इंडिया में ऑलरेडी कर रखी होगी, 2-3 महीने तो की होगी, फिर आप यहाँ पे 2 साल आए हो, 2 साल में आपने अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत काम किया होगा, लोगों से बातें की होंगी, तो एक वो हेजिटेशन निकल जाती है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, पहले से तो इम्प्रूव होनी ही चाहिए भाई. अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो मतलब भाई कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग. तो ये लाना कोई बड़ा कोई टास्क नहीं है, ये इजीली अचीवेबल है ये चीज़. आपको वर्क परमिट के लिए आपको IELTS देना ही पड़ेगा, बट उसके बाद एक चीज़ और है मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ. देखो कॉलेज ग्रेजुएट्स विल फेस न्यू लिमिट्स ऑन पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स. बिल्कुल सही सुना आपने, डिग्री ग्रेजुएट्स विल रिमेन एलिजिबल फॉर PGWP ऑफ अप टू 3 years. However, आफ्टर 1 November 2024 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स graduating from public college programs will no longer be eligible for a 3 years PGWP unless their work is linked to areas of higher labor market demand as designated by each province or territory. तो देखो इसका मतलब यही है कि अगर आप लोग 1 November 2024 के बाद अगर आप लोग अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 3 साल का जो है वर्क परमिट मिलेगा. अगर आप लोग किसी डिमांड हाई डिमांड फील्ड में हो तो ही आपको चांसेस है कि भाई 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा. बट ये ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया भाई कि कितने का मिलेगा, एक साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा. ये थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. तो यहाँ पर बस इतना लिखा गया है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 3 साल का ही वर्क परमिट जो है मिलेगा. ठीक है, तो भाई ये भी बहुत एक मतलब शॉकिंग सही है यार, आज के टाइम में तो 3 साल भी कम पड़ रहे हैं PR के लिए. ठीक है, पॉइंट्स नहीं बन रहे लोगों के, तो ये तो मतलब इन्होंने और कम कर दिया. और सिर्फ देखो भाई एक ही आउटकम निकल के ये आ रहा है, अगर आप इसको एकदम जो है ना सम करोगे इसका, तो भाई आप यही देखोगे कि यार कनाडा गवर्नमेंट अभी जो है इमिग्रेशन पे कंट्रोल कर रही है. जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो चाहते हैं कि वो खुद ही चले जाएँ, या तो हम ऐसे निकालेंगे, ये हमारा तरीका निकालने का. ये सारे जो थे भाई ये चेंजेस थे, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए. तो अगर आपको भाई कोई भी और डाउट है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा. और भी 2-3 चेंजेस थे बट वो स्टूडेंट लोगों के लिए नहीं थे, तो मैंने उसको इस वीडियो में डाल के वीडियो को लंबा नहीं किया, फालतू की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी.
जितनी आप लोगों के लिए जरूरी थी मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।